हेलो एवरीबॉडी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिट वुड यानी कि इम्प्रूव वुड्स के बारे में एंड वुड मॉडिफिकेशन एंड इसके टाइप को भी देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट वुड से तो कंपोजिट का जो सिंपल मीन होता है कि डिफरेंट uh, टाइप के मटेरियल से बनी हुई उसी तरीके से जो वुड है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है उसको इम्प्रूव किया जाता है और इस तरीके से बनी हुई जो वुड है उनको हम कहते हैं कंपोजिट वुड तो अब यहाँ दिया गया है कि कंपोजिट वुड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ मटेरियल they usually contain the same wood that are used in lumber but they are combined to make them stronger and more durable it is also known as engineered wood or improved woods bin ko kehte hain ab yahan pe dekh sakte hain ye jo woods hai inki jo durability hai wo increase ho jati hai अब हम बात करेंगे composite wood के examples की Composite wood के example यहाँ दिए गए हैं Plywood प्लाई वुड जो है घरों में यूज़ किए जाते हैं ये कंपोजिट वुड के एग्जाम्पल हैं एंड एलेमिनेटेड वुड्स कोर बोर्ड्स एंड सैंडविच बोर्ड्स एंड जो स्विच बोर्ड्स पार्टिकल बोर्ड्स इम्प्रूव वुड्स जिनको मॉडिफाइड वुड भी कहा जाता है कंपोजिट वुड है ये इम्प्रूवड वुड का ही एग्जाम्पल है इसके बाद है इम्प्रेगनेट वुड इमप्रेगनेट वुड है इसमें इमप्रेगनेट्स यूज़ किए जाते हैं और इनका यूज़ करने से फिर जो वुड है उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाता है तो एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं इम्प्रेगनेट्स के वैक्स पैराफिन रेजिन एंड ऑयल्स वग़ैरह इसके बाद है हीट स्टेबलाइज वुड्स तो यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में जो वुड है उनको स्ट्रेंथ प्रदान की जाती है इसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेस्ड वुड कॉम्प्रेगनेटेड वुड तो ये जो नॉर्मल वुड है इट्स ए ट्वेंटी टाइम हार्डर होती है इसके अलावा है केमिकली मॉडिफाइड वुड्स तो ये सब एग्जाम्पल है कंपोजिट वुड के यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं इम्प्रूव्ड वुड्स के तो इम्प्रूवड वुड्स है इनको इम्प्रेगनेट्स के थ्रू यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जाती है एंड इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी वजह से एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है तो इनको रेजिन की सहायता से यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जाती है एंड क्योर्ड विद हीट एंड प्रेशर टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस तो ये हमने बात की कंपोजिट वुड एंड इम्प्रूव वुड्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वुड मॉडिफिकेशन वुड मॉडिफिकेशन वुड मॉडिफिकेशन में सिंपली वुड को मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह हम बढ़ा पाएँ और वो डिके ना हो जल्दी से तो दिया गया है कि वुड मॉडिफ़िकेशन इज़ ए जेनेरिक टर्म डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स टू अल्टर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करके फिर यूज में लिया जाता है ताकि वुड को मॉडिफाई कर सकें फिर आगे दिया गया है कि जो वुड मॉडिफिकेशन है उसमें हमारा एम होता है की जो वुड है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करना एंड ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके उसके डायमेंशनल स्टेबिलिटी में डीके रेजिस्टेंस हो सके एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस तो वेदर का इफ़ेक्ट उस पर ना पड़े वुड मॉडिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें एशेंशियल है कि जो वुड हमने मॉडिफाई करी हैं वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए नेचर में एंड उनका अगर डिस्पोजल किया जाए तो टॉक्सिक रेजिटी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं रह जाएगा वुड मॉडिफिकेशन का अगर इन्वायरमेंट वग़ैरह को नुकसान पहुँचेगा तो एंड आगे दिया गया है कि पिछले पाँच सालों में जो वुड मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी उनमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है कॉमर्शियल सेक्टर में स्पेशली अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वुड मॉडिफिकेशन तो वुड को मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं इनमें फर्स्ट है केमिकल मेथड तो केमिकल वुड मॉडिफिकेशन है इसको भी फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है तो पैसिव मॉडिफिकेशन एंड एक्टिव मॉडिफिकेशन में फिर इसको डिवाइड करते हैं और उनमें भी फिर सब टाइप्स होते हैं तो पीडीएफ में मैंने इसका फ्लो चार्ट है वो अवेलेबल करवा दिया तो एक बार वहाँ से देख लेना इसको नेक्स्ट की फिर हम बात करें तो नेक्स्ट है हाइड्रो मैकेनिकल प्रोसेस तो हाइड्रो में क्या होगा इसमें एक होती है हाइड्रो प्रोसेस एक होती है थर्मो मैकेनिकल प्रोसेस और एक होती है थर्मोहाइड्रो मैकेनिकल प्रोसेस तो थर्मोहाइड्रो मैकेनिकल प्रोसेस तो इसकी सहायता से भी वुड को मॉडिफाई किया जाता है नेक्स्ट है यहाँ पे ईएमआर एंड प्लाज्मा बेस्ड मॉडिफिकेशन प्रोसेस तो यहाँ पे वुड मॉडिफिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको यूज़ करते हैं इसके साथ ही लेजर ट्रीटमेंट की प्रोसेस की जाती है अब जो नेक्स्ट है उसमें है बायोलॉजिकल प्रोसेस तो यहाँ पे ये होती है बायोलॉजिकल बेस्ड प्रोसेस एक होती है मेटाबोलाइट प्रोसेस अनोदर में है सॉल्ट बेस्ड प्रोसेस तो सॉल्ट बेस्ड प्रोसेस एंड बायोमिमिक्री प्रोसेस तो ये सब प्रोसेस है वुड मॉडिफ़िकेशन के लिए तो इनकी सहायता से जो मॉडिफाइड वुड है वो प्राप्त की जाती है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज से क्योंकि इनमें जो सब टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो स्टार्ट करेंगे हम केमिकल वुड मॉडिफिकेशन से केमिकल वुड मॉडिफिकेशन तो केमिकल वुड मॉडिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे केमिकल रिएक्ट की जाती है एन एजेंट की विद पॉलीमेरिक कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ वुड तो ये होते हैं लिगनिन हैमी सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज तो इनके साथ यहाँ पे रिएक्ट करके इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे जो एजेंट हैं सेल वॉल पॉलीमर्स के बीच में बनता है यहाँ मॉडिफिकेशन को एक्टिव मॉडिफिकेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है सेल वॉल पॉलीमर्स में तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे वुड को मॉडिफाई कर लिया जाता है हम सब जानते हैं कि जो फंजाई है उसको मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए तो यहाँ पे जो वुड मॉडिफिकेशन के प्रोसेस है इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ पे कम हो जाता है इस वजह से फंजाई के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है तो यानी वुड जो मॉडिफाई हम करते हैं उसके हेल्प से हम उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं इसके साथ ही जो केमिकल वुड मॉडिफिकेशन के प्रोसेस है उसमें फिजिकल ब्लॉकिंग हो जाती है इंट्रेंस के लिए फंजाई है उसको इंट्रेंस नहीं मिल पाता जो सेल वॉल्स हैं उनके थ्रू तो इस वजह से भी ग्रोथ नहीं होती फंजाई की और डीके के प्रोसेस है वो फिर यहाँ नहीं हो पाती इसके साथ ही यहाँ पे इनहिबिटेशन होता है ऑफ द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम तो यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम है उनके एक्शन को रोका जाता है अब हम बात करेंगे इम्प्रेगनेशन मॉडिफिकेशन के बारे में तो इमप्रेगनेशन मोडिफिकेशन है ये वुड मोडिफिकेशन का अनोदर टाइप है यहाँ पर इमप्रेगनेट्स यूज किए जाते हैं इमप्रेगनेट्स के एग्जाम्पल हमने देखे थे कि जैसे पैराफिनावैक्स वगैरह यहाँ पर आगे दिया गया है कि यहाँ यूज किया जाता है इमप्रेगनेशन का ऑफ द सेल वोल ऑफ वुड विद ए केमिकल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स दैट रिएक्ट्स टू फॉर्म ए मटीरियल दैट इज़ लॉकड इन टू सेल वोल इस प्रोसेस को यहाँ पे पैसिव वुड मॉडिफिकेशन के प्रोसेस कहते हैं तो वुड प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे अफेक्ट होती हैं लेकिन जो मटीरियल है उसकी केमेस्ट्री जो है उसमें अल्टरेशन नहीं होता तो यहाँ पे ये यह हमने बात किया है इम्प्रेगनेशन मोडिफिकेशन के बारे में एंड अब हम जो एक्टिव मोडिफिकेशन है उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो एक्टिव मोडिफ़िकेशन के एग्जाम्पल हैं उनको देखने वाले हैं तो अब बात करेंगे एसिटिलेशन की तो ये एग्जाम्पल है एक्टिव वुड मोडिफिकेशन का क्योंकि यहाँ पे वुड की केमिस्ट्री है वो चेंज होती है तो इस प्रोसेस में वुड जो है उस पर यहाँ पे, पे केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड को कैटालिस्ट के तौर पे यूज में लेते हैं कैटालिस्ट मीन उत्प्रेरक जो कि रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस रिएक्शन को याद रखने की आवश्यकता नहीं है तो वुड जो है उसकी यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई जाती है एंड यहाँ पे फिर एसिटिक एसिड अलग हो जाता है और हमें मॉडिफाइड वुड है वो प्राप्त होती है तो एसिटिलेशन की जो प्रोसेस है उससे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं वुड को फ्रॉम स्वेलिंग इन द वाटर तो वाटर में भी फिर यहाँ पे ये यह जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है ये नहीं आती तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिटिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम वुड को मॉडिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्फरलेशन की जो केमिकल प्रोसेस है ये भी एक्टिव मॉडिफिकेशन का टाइप है तो इस रिएक्शन में यूज किया जाता है वुड के साथ फर्फल जो एल्कोहल है सी फाइव सिक्स ओ टू तो यहाँ पे यूज किया जाता है साइक्लिक कार्बोक्सलिक एनहाइड्राइड एज की कैटलिस्ट के तौर पे तो कैटलिस्ट तो ये होता है और मैन एजेंट है वो यहाँ पे ये अल्कोहल है तो फिर इस प्रोसेस को यूज करके हम यहाँ से सुपीरियर प्रॉपर्टी वाली वुड प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे जो एल्कोहल यूज़ किया जाता है फरफुरल एल्कोहल ये एक लिक्विड है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होता है उससे जैसे सूगर कैन या फिर कॉर्न कॉब्स वगैरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देख सकते हैं फर्फ्यूरल एल्कोहल में यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी नॉन टॉक्सिक नेचर का होगा ये तो यहाँ पे जो पर्पज़ है फर्फ्यूरेशन का ये है कि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करना इसके साथ ही जो वुड है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाता है उसके ड्यूरेबिलिटी को इनक्रीज़ करते हैं यहाँ पे नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है फर्फ्यूरल एल्कोहल पॉलीमर की यहाँ पे प्रोसेस भी दिखाई गई है कि ये यह यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया गया है फरफ्यूरल एल्कोहल का और इसमें वुड रखी गई है इनको सोक किया जाता है एंड जैसे बेम्बो को रखा गया है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है देख सकते हैं सरफेस पे दिखाया गया है फिर यहाँ से स्टेप सेकंड की जाती है इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वो रिएक्शन हो रही है फिर ड्राइंग की प्रोसेस करते हैं और लास्ट में हमें प्राप्त होता है फरफ्यूरलेटेड बैम्बो तो ये है इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये पहले की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मोर ड्यूरेबल हो जाता है और इसी के साथ इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है अब हम बात करेंगे थर्मल मॉडिफिकेशन की तो थर्मल मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को यहाँ दिखाया गया है प्लेटो प्रोसेस इसमें हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है तो ड्राइंग की प्रोसेस होती है एंड क्यूरिंग की प्रोसेस होती है तो थर्मल मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में हम वुड को मॉडिफाई करते हैं और इससे जो वुड मॉडिफ़ाई होती है उसमें पहले की तुलना में वो टेन टू एटीन टाइम हार्ड हो जाती है नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्रैक के बारे में तो कॉम्प्रैक भी सिमिलर है इम्प्रैक के जैसे ही लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे डिफरेंस होता है कि इसको पहले ही कंप्रेस्ड कर लिया जाता है रेजिन जो है उसको अप्लाई करने से पहले सो इट इज़ सिमिलर टू इम्परेग एक्सेप्ट दैट इट इज़ कंप्रेस्ड बिफोर द रेजिन इज़ क्योर्ड विद इन द वुड एंड यहाँ पे जो रेजिन फॉर्मिंग केमिकल हैं उसमें फिनोल फॉर्मल को यूज़ करते हैं प्लास्टिसाइजर के तौर पे आगे यहाँ पे प्रोसेस दी गई है कि पहले ग्रीन वुड है उसको ड्राई कर लिया जाता है एंड फिर यहाँ पे उसको फिर सोक करके रखा जाता है इसके बाद यहाँ पे जो रेजिन है उसको डिस्ट्रीब्यूट या फिर अप्लाई किया जाता है फिर ड्राइंग की प्रोसेस होती है और फिर सिंपली क्योरिंग की प्रोसेस की जाती है तो इस तरीके से मॉडिफाइड वुड है वो प्राप्त कर ली जाती है तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वुड मॉडिफिकेशन के बारे में और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वुड मॉडिफिकेशन में उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एंड आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी सो थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग एंड हैव एन आई डे